भाई लोग आज बात करने वाले आज ही मंडे नाइट रॉ के बारे में। आज की मंडे नाइट रॉ में जबरदस्त तूफान मचा दिया सेट और कोडी ने और बैक की लिंचिंग में जबरदस्त तरीके से आज उछाल कूद मचाई। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस रॉ की शुरुआत करती है अपनी बैकी लिंच। बैकी लिंच ने शो की शुरुआत करते हुए हील की तरह प्रोमो कट किया और बताया कि फैंस को उनका भरोसा नहीं था कि वो टाइटल मैच हासिल कर पाएंगे। उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। बाद में बैकी ने बताया कि उन्होंने आस्का को 2020 में रॉ वुमेन टाइटल के रूप में सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया था। बैकी लिंच ने आस्का को लालची बताया। आस्का ने एंट्री कर उन्होंने कहा कि कोई आस्का के लिए तैयार नहीं है और रॉ वुमेन चैंपियन बनने का दावा किया। बियांका बेलेयर ने एंट्री कर उन्होंने अपनी भी जीत का दावा किया। उन्होंने इस दौरान बैकी के रेसलमेनिया में हार के बारे में बात की। इसी वजह से बैकी लिंच ने उस पर हमला किया। तीनों से परिचय के छोटा ब्रॉल हुआ। आस्का और बेलेयर ने लिंच को भगा दिया रिंग से। गाइस बियांका बेलेयर वर्सेस आस्का का मैच होता है। गाइस यहां पे अपनी बियांका बेलेयर की जीत हो जाती है और अपने इजे के लिए डोमिनिक और रेम स्टोर से केवी नोबन से अल्फा करने का मैच होता है। गाइस ज्यादा बताने के लिए है नहीं, यहाँ पे इजे के लिए डोमिनिक और रेम स्टोर की जीत हो जाती है। और गाइस इसके बाद अपने कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस का सेगमेंट होता है। गाइस यहाँ पे कोडी रोड्स प्रोमो कट करते हुए हेल इन अ सेल के बारे में बात करते हैं और गाइस तभी कहते हैं सेथ रोलिंस आ जाते हैं फैंस की एंट्री करते हुए और उन्होंने कोडी रोड्स जीती थी। उन्होंने बताया कि सेथ से नफरत हो गई है कोडी को। उन्होंने यह भी कहा कोडी रोड्स और उनके दोस्तों ने पहले कई बार WWE का मजाक बनाया और फिर वही कंपनी रिटर्न किया। कोडी गुस्से में दिखाई दिए और उन्हें सेट को रिंग में बुलाकर ब्रॉल करने का। दोनों सुपरस्टार की भी जबरदस्त फाइट देखने को मिली और ऑफिशियल ने आकर उन्हें अलग किया, लेकिन बाद में कोडी रोड ने एक बार फिर सेट रोलिंस पर अटैक कर दिया। दोनों के बीच मैच को काफी ज्यादा बढ़िया हाइप मिल गया मैच के लिए। और गाइस एलेक्सा ब्लिस वर्सेस ड्रू आपका मैच होता है। गाइस यहाँ पे एलेक्सा ब्लिस की जीत हो जाती है। गाइस मुस्तफा अली वर्सेस टोमासो सैंपा का मैच होता है। गाइस यहाँ पे मुस्तफा अली की डिस्क्वालिफिकेशन से जीत हो जाती है। गाइस ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस मुस्तफा अली का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच होता है। यहाँ पे यह मुकाबला ज्यादा लंबा नहीं चला। अली पहले चोटिल थे और फिर भी उन्होंने लड़ने से इंकार नहीं किया। मैच में कुछ जगहों पर अली ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में ऑस्टिन थ्योरी ने ATL लगाकर मैच की जीत हासिल कर ली। मैच के बाद एडम पियर्स ने आकर बताया कि मुस्तफा अली और ऑस्टिन थ्योरी के बीच थ्योरी ने सेल में मैच होगा। गाइस द उसो वर्सेस रीडल और सिंसे नाकेमुरा का टैग टीम चैंपियनशिप का टेंडर मैच होता है। गाइस यहां पर रीडल और सिंसे नाकेमुरा की डिस्क्वालिफिकेशन से जीत हो जाती है। गाइस लिन मॉर्गन वर्सेस रिया रिपली का मैच होता है। गाइस यहां पर ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, यहां पर बेबी फेस टीम की जीत होती है। गाइस यहां पर लिन मॉर्गन की जीत हो जाती है। बॉबी लेसनर और ओमोस और MVP का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का सेगमेंट होता है। गाइस दोनों का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट बहुत अच्छा करा। MVP ने बताया कि उन्होंने बॉबी लेसनर को फेमस किया है और उनकी सफलता में उनका हाथ। MVP और ओमोस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और प्रोमो कट किया, लेकिन MVP ने उन्हें रोका। उन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहा। लेसनर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फिर टेबल को रिंग के बाहर फेंक दिया। ओमोस और बॉबी लेसनर को सिक्योरिटी गार्ड ने, लेकिन गाइस दोनों ने पहले गार्ड पर हमला कर दिया। बाद में सेडिक एजेंडर ने आकर लेसली पर हमला किया, लेकिन लेसली ने ऑफ की। MVP और ओमोस ने अंत में लेसली को बुरी हालत कर दी, लेकिन बॉबी लेसली ने टेबल पर ओमोस को स्पेयर दे दिया। गाइस तरीके से आज मंडे नाइट रॉ खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।